असलम आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वॉचिंग वर्ल्ड इन फोकस विद अहमद अली नकवी आज के इस एपिसोड में हम सी एस एस के हवाले से जो पोलिटिकल साइंस का पेपर है उस पर ज़रा बात करेंगे पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू गिव एनी गैस बिकॉज आई कॉन्ट गिव गैस ऑन पोलिटिकल साइंस एज सच और जो मेन डिस्कशन है वो ये है कि जब पोलिटिकल साइंस का पेपर सी एस एस में आता है या फॉर देट मैटर पी एम एस में आता है तो uh, किन चीज़ों को बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको जहन में रखना चाहिए बिफोर यू राइटिंग यू राइट एन आंसर ऑब्वियसली इस टाइम पे हम प्रिपरेशन की सजेशन तो नहीं दे सकते बट एग्ज़ाम डे की सजेशन दी जा सकती हैं कि व्हाट शुड बी कैप्ट इन माइंड बाय द स्टूडेंट्स इन वाइल्ड दे आर राइटिंग देयर आंसर्स सो आंसर के हवाले से हमें यह जन में रखना पड़ता है कि जो सिलेबस है वो क्या है और पेपर पैटर्न्स क्या हैं जिसपे अगेन डिटेल पे बात नहीं करूँगा बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग दिन नो इट हमारा जो पोलिटिकल साइंस का सिलेबस है वो बड़ा ब्रॉड बेस्ड सिलेबस है कोई एक पर्टिकुलर थिंकिंग नहीं है पोलिटल साइंस सब्जेक्ट इट्स ब्रॉड है और उस इसलिए उस जो सिलेबस है वो भी एक ब्रॉड बेस्ड सिलेबस है जिसमें हमें फ़िलासफी भी नज़र आती है पोलिटिकल फ़िलासफी उसमें हमें बेसिक कॉन्सर्ट भी नज़र आते हैं उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और पोलिकल सिस्टम की डिबेट भी नज़र आती हैं और उसमें हमें पाकिस्तान पॉलिटिक्स भी नज़र आती है उसमें हमें ग्लोबल uh, uh, जो डेवलपमेंट्स हैं या ग्लोबल इशूज़ हैं उस हवाले से भी डेवलपमेंट नज़र आती हैं तो इसीलिए हम इस इस, इस इसके uh, जो जो डिस्कशन uh, है uh, उस पर जब हम बात करते हैं और जब बच्चों को हम कहते हैं कि आप लिखें पेपर में तो कोई एक यूनिवर्सल फार्मूला नहीं होता पोलिटिकल साइंस में बिकॉज देर आर सो डिफरेंट वैराटी ऑफ नरेटिव्स सो डिफरेंट वरायटी ऑफ थीम्स जो कि एक अलग से डोमेन्स हैं अलग से सब्जेक्ट्स हैं डिसप्लिन हैं जैसे फ़िलासफी अलग से एक डिसिप्लिन है कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग से डिसिप्लिन है आई आर एक अलग से डिसिप्लिन है तो कहीं ना कहीं पर हम हम इसको जो है वो एक ब्रॉड uh, स्पेक्ट्रम में कोई एक ब्रॉड सिंगुलर लाइन लेकर पोलिटल साइंस का पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए हमें देखना ही होता है कि जो नेचर ऑफ क्वेश्चन हैं वो डिटर्मिन करती है कि हमें उस पर्टिकुलर एंगल में क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना पोलिटिकल फिलासफी से हम स्टार्ट करेंगे जो पेपर वन के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसमें वेस्टर्न थिंकर्स भी हैं मुस्लिम थिंकर्स भी हैं यूजअल पैटर्न तो यही होता है कि वेस्टर्न uh, थिंकर पे भी दो सवाल आते हैं और दो मुस्लिम पे आते हैं बट बट समाइम द एग्जाम कैन यू नो मिक्स थिंग्स अप एज वेल बट द क्वेश्चन इज हाउ टू अटैम्प दैट क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन और वो जो दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन क्या होनी चाहिए और फिर जो सिलेक्शन कर ली जाए तो उसको अटैम्प्ट करते हुए क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन के वाले से अगर बात की जाए तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है पहला पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पोलिटिकल फ़िलासफी वो बच्चे जिन्होंने सोशल साइंसेज ना पढ़ी हो और स्पेशली पोलिटिकल साइंस ना पढ़ी हो उन्हें जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उन्हें पोलिटिकल फ़िलासफी की जो डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है तो आई थिंक एक चीज़ तो जहन में रखेंगे जब आप क्वेश्चन की सिलेक्शन करें तो आप पहला क्राइटेरिया वही रखें वो, वो क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट करें जो आपको देखते ही आपके आइडिया में एक 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 लाइट क्रिएट करते हैं माइंड में येस आई नो अबाउट इट और वो जो थिंकिंग आती है आप एक तो वो अटैम्प्ट करें अब इसी बात है जो आपको जिस पे आप ज़्यादा श्योर हों दैट यू रेड अबाउट इट एंड यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया जिस पे सवाल पूछा गया मोर देन एनी बडी एल्स तो कहीं ना कहीं पे आप उसको उसको प्रेफर करते हैं जाकर तो इसमें मुस्लिम और वेस्टर्न की एज सच पिक नहीं होती असल चीज़ होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है उसकी बजा के ये तो पहला क्राइटेरिया है बट अगर आपको क्वेश्चन आलमोस्ट सारे आते हों या चार में से तीन आते हों आप यू हैव टू मेक अ चॉइस कि उन तीनों में से कौन सा किया जाए तो यूजली फिर हम प्रेफर करते हैं कि वो क्वेश्चन जिसमें पेट क्वेश्चन हों जिसमें ज़्यादा ओपिनियनेटेड डिस्कशन ना हो या जिसमें ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन ना हो टू द पॉइंट क्वेश्चन हो उनको यानी जहाँ पे आंसर स्टैटिक बन जाए जहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश ना हो तो आप यूजली वो क्वेश्चंस पिक करते हैं बिकॉज उसमें एग्जामिनर के लिए उसमें मार्क्स डिडक्शन की जो गुंजाइश है वो कम हो जाती है बिकॉज जहाँ पे ओपिनियन होगा तो वहाँ आप अभी डिबेट होगी और डिबेट में यू माइट मिस पर्टिकुलर एंगल तो ये एक तो पॉइंट जहन में रखना चाहिए और कि आप टू द पॉइंट क्वेश्चन जो है उनको उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। लेकिन अगेन uh, ये भी जह रखना होता है कि जो क्वेश्चन आप चूज़ करें उसकी uh, उसको लिखने के बाद से वो जो आप आंसर सोच रहे हैं आपके माइंड में है बिगेिंग uh, जब आप सवाल पढ़ते हैं उसी वक्त आता है तो क्या आप 35 मिनट में लिख सकते हैं दैट टाइमिंग शड ऑलसो ब फैक्टर व्हेन यू डिसाइड एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा आता है कल मार्क्स के ऊपर है या किसी इलाम इकबाल के ऊपर है या किसी हवाले से लेकिन आपको लगता है कि वो डिस्कशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी काफ़ी लंबी हो जाएगी तो फिर आई थिंक दैट शुड दैट क्वेश्चन शुड भी अवॉइडेड बिकॉज टाइम फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बाद बच्चे होते हैं जिनको बड़ा अच्छा आंसर आता है दे राइट वेरी वेल बट इन दैट वे वो एक टाइम का इम्बेलेंस क्रिएट कर देते हैं विच हर्ट दैम अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर अब जब आप क्वेश्चन चूज कर लें तो क्या आंसर लिखें पोलिटिकल फिलासफी में जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं उसको पोलिटिकल फिलासफी का क्वेश्चन uh, का जो होता है उसके आंसर में उसे फिलासफी के क्वेश्चन के बजाय उसे कोई जेनेरिक किस्म का आंसर बना लेते हैं इट्स अ फिलासफी क्वेश्चन एंड ब्रॉड फिलासफी ऑफ द थिंकर हैज़ टू बी केपट इन माइंड इन आंसरिंग द क्वेश्चन रद एंड जस्ट राइटिंग दू नो मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग और डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ करने के लिए तो फ़िलासफी है यू हैव टू बी फिलोसॉफिकल इन डिस्कशन आइडियाज़ पर बात ज़्यादा करेंगे आइडियाज़ uh, को एक्सप्लन जो है वो लॉजिक uh, के सेंस में करेंगे जाके तो एक कहीं ना कहीं भी आपने फ़िलासॉफिकल वे में उसको अटैम्प्ट करना होता है बाकी अब इसी वह कोटेशन ऐड करना अच्छी बात होती है uh, आप उस थेरी के जो जितने पार्ट्स पूछे गए हैं वो आप उस पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे टाइम के वाले से उसको मैनेज करेंगे जाके और जो चीज़ें नहीं पूछी गई उन पर अगर आपको लगता है कि वो इंडायरेक्टली रिलेट करती हैं तो उन पर बहस कम से कम करेंगे ये दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपने जन में रखनी होती हैं और यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह बन सकते हैं जहाँ पर बिकॉज समटाइम्स एक आंसर जो होता है वह अच्छा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है विद अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट और यू नो डायग्राम और समथिंग लाइक दैट तो इट्स 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 गुड टू ऐड दैट जो सेकंड सेक्शन है उसके अंदर जाके क्वेश्चन पेपर वन का सेकंड सेक्शन जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं तीन सवाल होते हैं दो करने होते हैं उसमें ऑब्वियसली बात है वो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर उन कॉन्सेप्ट के हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है उनकी रेलिवेंस पूछी जाती है उन क्वेश्चन उनकी उनकी जो जो, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो पूछे जाते है, हैं जैसे पोलिटिकल पार्टीज़ हैं या इस तरह के सवाल हैं या उनके फीचर्स या उनके मैरट्स या डी मैरिट्स या जो भी उस हवाले से समटाइम पूछता है विद एग्जाम्पल्स या वो एग्जाम्पल ख़ुद कोट कर देता है पाकिस्तान के वाले से या किसी मुल्क के वाले से समटाइम्स वो आप पे छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडेबल हो कि जो आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं वाकई वो वही है कि नहीं है सो so एक तो जहां पे जिस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको पता हो कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट एग्जाम्पल पता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता तो एग्जाम्पल नहीं पता आपको एक्चुअली सो so कहीं ना कहीं पे उस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले सेक्शन में आपकी जो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगली चीज़ आती है एक्सप्रेशन में जब आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो आप इसी बात है उस कॉन्सेप्ट को जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी रेलिवेंट एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है इन फॉर एक्जाम्पल आप पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि पाकिस्तान और इंडिया आ उस थेरेटिकल आर्गूमेंट या कन्सेपचुअल पार्लियामेंट्री सिस्टम की तमाम प्रिंसिपल पर पूरे उतर रहे हो तो जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको ये सोच के लिखना होता है कि आप एग्जाम्पल वही लिख रहे हैं जहाँ पे वो थीरी से मैच हो रही हो एक तो ये बहुत ज़रूरी है और दूसरी चीज़ आप जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप उसके अंदर भी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर पर एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लो चार्ट बना सकते हैं और कोटेशंस जो जो कंसर्न पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं इस्टेब्लिश्ड पोलिटिकल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं उनसे उनसे आप कर सकते हैं बट एग्जाम्पल्स भी आप उसको लाजमी ऐड करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है इसमें फोकस जो है वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो रदर दैन एग्जाम्पल पे तो कॉन्सेप्चुअल डिबेट ज़्यादा होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर भी पेपर टू में जब आप जाते हैं तो पोलिकल सिस्टम के सवाल हैं पोलिटिकल सिस्टम के सवाल जब आते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो उनमें से दो तरह के हैं एक कोई डिबेट बेस्ड आ जाते हैं जैसे यू नो सेपरेशन ऑफ पार की डिबेट है टर्किस कॉन्स्ट्यूशन का, का, में एक मिलिट्री के रोल की बात की जाती है या फिर यू नो कहीं ना कहीं पर आप यूके में सावरटी की डिबेट की जा सकती है या लोकल गवर्नमेंट की डिबेट आ जाती है तो कहीं कही ना कहीं पे जो डिबेट वाले क्वेश्चन है एक एक स्टैटिक क्वेश्चन है जी यूएस प्रेसिडेंट के फंक्शन पावर्स क्वालिफिकेशन जो कि टू द पॉइंट सिंपल क्वेश्चंस होते हैं तो आई थिंक कॉन्स्ट्यूशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा फोकस uh, ये करना होता है कि आप एक तो डिबेट वाले क्वेश्चन जो हैं वो अगेन सब्जेक्टिव बन जाते हैं उनको अवॉइड करें जो स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जिनमें मार्जिन ऑफ डिसग्रीमेंट ऑन द पार्ट ऑफ एग्जामिनर कम से कम होता है तो दे दीज क्वेश्चन कुड बी प्रेफर्ड इन दैट वे बट वट एवर इज़ द आंसर आप अब विद एक्जाम्पल्स लिखते हैं आप कोई हिस्टोरिकल एग्जाम्पल करंट एग्जाम्पल वहाँ से उठा के आप उसको पोलिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं असल चीज़ वही है कि जब आप पोलिटिकल सिस्टम की डिस्कशन कर रहे हो जिस भी इंस्टीट्यूशन पर सवाल आए ऐसा ना हो कि इंस्टीट्यूशन के बारे में डिस्कशन करें और आप ब्रॉड पोलिटिकल सिस्टम को भूल जाएँ बिकॉज अमेरिकन प्रेजिडेंट डज नॉट वर्क अ लोन ही एक्चुअली वर्कस विद इन द अमेरिकन पोलिटिकल सिस्टम फ्रेंच पार्लियामेंट डजन वर्क इंडिपेंडेंटली इट हैज़ इट्स ओन पर्टिकुलर पेकुलियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विद द जुडिशरी एंड प्रेजिडेंट ऑफ फ्रांस एंड अदर फार्मल एंड इन फॉर्मल इंस्टीट्यूशन तो कहीं ना कहीं पर जब आप जिस इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हो तो वो खाली उस इंस्टीट्यूशन को माइंड में मत रख के मत लिखिएगा आप ब्रॉड प्लगर सिस्टम की डिस्कशन को लिखें या ना लिखें लेकिन एटलीस्ट माइंड में जरूर रखिएगा एंड दैट्स वाई वी इन कर स्टूडेंट्स जब आप पुलिकल सिस्टम में किसी मुल्क पर सवाल आता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की उस ब्रॉड पुलिकल सिस्टम में जो फोकस पॉइंट है जो उसकी लोकेशन है जो उसकी स्टैंडिंग है उसको एक फ्लो चार्ट की सूरत में हाईलाइट कर सकते हैं यानी ब्रॉड पुल सिस्टम हो और उसके अंदर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो आ, आ, फ्रेम कर दें ताकि आइडिया हो जाए कि आप इस इंस्टीट्यूशन की बात करें विच स्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन दैट पोलिकल सिस्टम ऑज ऑ कंट्री तो एक ब्रॉड होलिस्टिक पिक्चर लेके पोलिटिकल सिस्टम की उसके अंदर उस इंस्ट्यूशन को डिस्कस करना होता है समटाइम्स ऐसा नहीं होता समटाइम क्वेश्चन में वो एक मुल्क के पोलिटिकल सिस्टम के किसी एक इंस्टिट्यूशन को दूसरे मुल्क से कंपेयर कर रहा होता है और अगेन वहाँ कंपेरिजन में आप ऐसा करते हैं आप न सिर्फ उनका कंपेरिजन करते हैं बल्कि उनकी अपने अपने रिस्पेक्टिव सिस्टम में क्या पोजिशन है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं जैसे यू एस का अमेरिकी प्रेजिडेंट से इंडियन uh, प्रेजिडेंट से कंपेरिजन आ जाए तो इंडियन प्रेजिडेंट पार्लियामेंट्री में है वहाँ प्रेजिडेंशियलियलियलियलियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दोनों में ऑब्बियस बात है पोजिशन का अपने अपने सिस्टम के लिहाज से फर्क तो होगा ब्रिटिश पोलिकल सिस्टम है जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है और अमेरिकन प्रेसिडेंट की कंपेरिजन आ जाता है अगेन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिस्टम पार्लियामेंट्री है और वहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है बट यू कॉन्ट से द सेम इन अमेरिका तो कहीं ना कहीं पे आप इस इस कंपेरिजन में उनके रिस्पेक्टिव पोलिकल सिस्टम को भी माइंड में रखते हैं दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फिर इस सेकेंड पेपर में पाकिस्तान अफेयर्स प् से भी क्वेश्चन आते हैं पाकिस्तान फेयस से रेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनसे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आप पाकिस्तान फेयस रिलेटेड जो डिस्कशन हैं उनमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है जिस तरह आज पाकिस्तान फेस का पेपर आया जिसमें डेमोक्रेसी के वाले से पूछा गया क्वेश्चन पूछा गया कुछ इकनॉमिक भी थे आल दो पोलिकल साइंस में मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो पोलिटिकल सेंस में ही होते हैं हिस्टोरिकल भी हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या पाकिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड प्रेजेंट भी हो सकते हैं बट आप जब उनका आंसर लिखते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में तो आपने वो जो पहले पोलिटिकल फलोसफी पढ़ी होती है पोलिटिकल कॉन्सेप्ट्स uh, पड़े होते हैं कॉन्स्ट्यूशन होते हैं आप उन चीज़ों को कॉन्सेप्ट को देख के एक्सप्लेन करते हैं यू कैन एक्सप्लेन डेमोक्रेसी विदाउट अंडरस्टैंडिंग वट इज़ डेमोक्रेसी, वट इज़ लॉक डेमोक्रेसी एंड यू नो डिफरेंट हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या रहे हैं। Uh, इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाते हैं पाकिस्तान की फेडरेशन पे तो हाउ कैन यू राइट इट विदाउट नोइंग व्हाट आर फेडरेशन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरेशन्स यू नो व्हाट मेक्स अ फेडरेशन सक्सेसफुल फेडरेशन और स्ट्रॉग फेडरेशन तो कहीं ना कहीं पे वो जो थेरेटिकल एलिमेंट्स हैं वो लिखें ना लिखें पाकिस्तान पॉलिटिक्स में लेकिन पाकिस्तान पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करते हुए उन थेरेटिकल आर्गमेंट्स के साथ आप लिंक जरूर करते हैं जाके जब भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे उसके उसके उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताएंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस पाकिस्तान के रेफरेंस से भी होंगी और थेरी के रेफरेंस से भी होंगी जाके तो आई थिंक पाकिस्तान पॉलिटिक्स का जो uh, जो जो क्वेश्चन आता है uh, ये आलमोस्ट वही होता है जो आप पाकिस्तान अफेयर्स में अटैम करते हैं खाली इसमें आप जो थीरी ऑफ पोलिटिकल साइंस है उसके कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए इन कॉन्सेप्ट को एलेबरेट करते हैं जाके पाकिस्तान के रेफरेंस के हवाले से जाके और अगेन uh, इसमें भी uh, जो आप क्वेश्चन चूज़ करते हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स में वो एक डिबेट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेजेंशियल वाइल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फेल्स इन पाकिस्तान वाइड डेमोक्रेसी को नॉट डेवलप इन पाकिस्तान नेशनल नेशनलेशन क्यों नहीं हो पाई पाकिस्तान के अंदर थिंग्स लाइक दैट बट एक तरफ क्वेश्चन जो है वो पैट क्वेश्चन आ जाते हैं यू नो जैसे कंपेरिजन ऑफ द थ्री कॉन्स्टिट्यूशन जो जो वो क्वेश्चन जिनके पेट आंसर्स होते हैं जिनमें डिबेट्स uh, नहीं होती uh, उनमें स्टेटिक कोश्चन में आप uh, आंसर uh, आसान तो बन जाता है और इसलिए वैलिडिटी ऑफ वैल्यू ऑफ आंसर जो है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है डिबेट क्वेश्चन उस वक्त अटैम्प्ट करें वैन यू हैव अ कमांड ओवर इट बिकॉज दीज क्वेश्चन आर वेरी एनालिटिकल वंस यू शुड हैव एनालिटिकल माइंड वैन यू आर अटैम्प्टी एस बट एनालिटिकल माइंड जो है वो uh, उसको उसको प्रजेंट करना एक्सप्रेस करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क तो आई थिंक डिबेट बेस्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट करें लेकिन उस रूल में वन यू हैव अ फुल कमांड एंड यू हैव अ जनरल रीडिंग ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स जहाँ पर आप बहुत लिमिटेड नॉलेज लेकर नहीं जा सकते आई से रिलेटेड अगर हम देखें तो हैं तो कम टॉपिक्स लेकिन पिछले साल हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पेपर टू वर्क फ्रॉम ब्रॉडली आई गवर्नेंस पे यू नो हिस्ट्री पे और इस पर सवाल आए थे बट आई uh, के जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनको एक जो uh, जो कॉन्सेप्ट है पोलटिकल साइंस में जब हम देखते हैं उनको जाके तो उनको आई के स्पेक्ट्रम में बात नहीं कर रहे होते उनको पोलिटिकल साइंस के परस्पेक्टिव में ही बात करते हैं पोलिकल साइंस के पैसिटी में जब बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसका रेफरेंस करीब बनता है करंट अफेयर्स के साथ थोड़ा सा जाके या अगर आप हिस्ट्रीज वगैरह रख रही हो तो उसके साथ तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो आई आर के क्वेश्चन हैं अगर वो आएँ ज़्यादा आएँ तो वी शुड प्रेफर दैम कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन या बाकी चीज़ों के उसकी वजह ये है कि बिकॉज वो जो क्वेश्चन होते हैं वो एक आ, वो एक ब्रॉड क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं पर थियेराटिकल एंगल में डिस्कशन के एंगल में जॉर्गन्स के एंगल में कंपलसरी में पढ़े होते हैं तो इट विल हेल्प यू आउट ओवर देर एज वेल या आपने बाकी ऑप्शन में पढ़ा होता है तो वो आपको हेल्प मिल सकती है जाके और वहाँ पर चूंकि डिबेट जो है वो ज़रा रेडली ओपन होती है कोई नैरोड होती नहीं कॉन्प्ट से लिंक नहीं करी होती एज सच वो डिस्क्रिप्टिव या इन दैट सेंस एनालिटिकल पार्ट भी होता है बट वो इवेंट से लिंक कर रही होती है इसलिए उसके अंदर जो है वो आ, कोई कॉन्सेप्ट जो है उससे डेविएशन की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो कम हो जाती हैं तो राजीन आखिर में कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा पोलिकल साइंस का पेपर डिपेंड करता है पेपर किस टाइप के आते हैं बिकॉज इट्स अ वेरी 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 वास्ट कोर्स इन दैट वे बट वट एवर कम्स डू नॉट इग्नोर दिस थिंग जो uh, पोलिकल साइंस के बारे अटैम्प्ट करने में सिर्फ उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा जिसकी कंसेपच्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी इफ़ यू डोंट हैव अ कंसेपचुअल अंडरस्टैंडिंग तो सिंपल क्वेश्चन भी आप जनरेट करके आ जाते हैं विच डज नाट आर्न यू गुड मार्क्स सो बेसिक पॉइंट ये है कि आपने डिफरेंट सेक्शन की ओर से डिफरेंट अप्रोचेज रखनी होती हैं लेकिन ब्रॉड कॉमन चीज एक ही है यू हैव टू हैव एन एनालिटिकल माइंड यू हैव टू हैव अ कंसेपच्चुअल अंडरस्टैंड एंड एवरी थिंग गेट्स कनेक्टेड विद एवरी थिंग so best of luck to those who are appearing or who will appear in the next year thank you so much kindly watch this video like it and also subscribe to this channel allah hafiz